हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश में यूज ऑफ ए एंड एन पढ़ेंगे। ए तो आपको पता है ना, ए मीन्स एक होता है, एंड एन, एन एन, तो एन का मीनिंग भी एक होता है। कोई भी सिंगल चीज होती है ना जब, तो उसे हम जैसे ये डॉग है, ये बुक है, ये गम की बॉटल है, तो ये सारी जितनी भी पिक्चर्स दिखा रहे हैं सिंगल्स हैं। तो उसके साथ जैसे ये डॉग है, अ डॉग, ए को हम अ भी बोलते हैं, या आप ए भी बोलेंगे, ए डॉग यानी कि एक कुत्ता, ठीक है। ए बुक, एक पुस्तक। ए गम, गम मीन्स जो गम की बॉटल होती है, चिपकाने वाली गम, तो आप इसे अ भी बोल सकते हैं, या अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे ए भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी आप LKG क्लास में ही हैं, तो धीरे धीरे आप ए को अ पढ़ना सीख जाएंगे। जब भी जहाँ पर ए आएगा आप उसे बोलेंगे अ डॉग यानी कि एक कुत्ता। अब हमने ये देखना है कि एन कहाँ पर लगेगा। जो आपने वॉवल्स पढ़े हैं, ई ओ यू, फाइव वॉवल्स होते हैं ना, आपने सारे यूज किए हैं वर्ड्स में, तो वॉवल्स से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा, एन। जैसे फर्स्ट वाला है, एप्पल है, तो एप्पल कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, तो ए वॉवल है, तो एन एप्पल बोलेंगे, उसे ए एप्पल नहीं कहेंगे, एन एप्पल। और नेक्स्ट वॉवल कौन सा होता है, ई, ई फॉर क्या बोलते हो आप, एलिफेंट, एग, ये वर्ड्स आते हैं, तो जहां एग लिखा होगा तो हम ए एग नहीं बोलेंगे, एन एग, एन एलिफेंट। इंजन भी ई से स्टार्ट होता है, तो ए ई। नेक्स्ट वॉवल क्या है, आई, आई फॉर आइसक्रीम, इग्लू, इंक पॉट, ये वर्ड्स बोलते हो, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो वो वॉवल्स वाले वर्ड्स हैं। अब जो बिना वॉवल्स वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सनेंट्स। ये डी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, DOG डॉग, तो डी से जब स्टार्ट हुआ तो डी वॉवल नहीं है, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, ए, ए डॉग। अब ये बुक है, बुक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो बुक के साथ क्या लगेगा, ए, ए बुक। गम के स्पेलिंग क्या है, GUM, जी वॉवल नहीं है, तो इसलिए गम से पहले हमने क्या लगाया, ए, ए गम। अब ये है बर्ड, BIRD बर्ड, बर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, बी से, तो बी भी वॉवल नहीं है, बैग भी वॉवल नहीं में बी आया, पेन में पी आया, तो ये वॉवल वाले वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, ए। तो जितनी भी सिंगल पिक्चर्स होंगी तो उनके साथ ए लगता है, ए मीन्स एक और एन मीन्स भी एक। अब इसे पढ़ना सीखेंगे, तो मैं अ बोलती हूँ तो आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करना, अ डॉग बोलिए, अ बुक, तो इनके मीनिंग क्या है, एक किताब, किताब को पुस्तक भी कहते हैं इंग्लिश में, बुक कहते हैं, अ गम, एक गम को क्या कहते हैं, पेस्ट जो चिपकाने वाली होती है, गोंद यानी कि गोंद की शीशी है, अ गम। अ बर्ड, एक पक्षी, अ बैग, एक बैग यानी कि बस्ता, अ पेन, एक कलम या पेन कुछ भी कह सकते हैं, अ हैट, एक टोप, अ रोज, एक गुलाब, अ बॉय, एक लड़का, तो इनके साथ ये रेड कलर से लिखे हुए हैं ए, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं सारे। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे वॉवल्स वाले वर्ड्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये पिक्चर्स को पहले देखेंगे, ये है एग, एंट, इंजन, इग्लू, एप्पल, इंक पॉट, ऑक्स, अर्न, अम्ब्रेला, तो ये ई से स्टार्ट हुआ एग, तो ई क्या है, वॉवल, तो वॉवल से पहले क्या लगता है, ए की जगह एन यूज होता है, तो यहाँ पर एन एग आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एंट है, एंट भी ए से स्टार्ट हुआ,
ए क्या है? वॉवल, तो एन एन ई एन जी आई एन ई इंजन, इंजन मीन्स इंजन, तो इंजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ई से, ई वॉवल है, एन इंजन। ये है इग्लू, आई जी एल डबल ओ इग्लू, इग्लू कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई से, तो आई क्या है? वॉवल, एन इग्लू। ये है एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ए से, तो इसके साथ क्या लगा? एन, एन एप्पल। ये है इंक पॉट, इंक पॉट की स्पेलिंग बोलिए, आई एन के इंक पी ओ टी पॉट, इंक पॉट, एन लगा, क्यों? क्योंकि आई वॉवल है। ये है ऑक्स, तो ऑक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओ से, ओ वॉवल है, इसलिए यहाँ पर एन। बस आपको ये याद रखना है, जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा? एन, ए नहीं लगेगा। ये है अर्न, यू आर एन, अर्न, अर्न मीन्स बर्तन, एक बर्तन, एन अर्न। एन ये क्या दिखाई दे रहा है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग फुल लेंथ है, तो हम इसे पढ़ेंगे यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू से, तो यू क्या है? लास्ट वॉवल है, तो सबसे फर्स्ट वॉवल कौन सा? ए, नेक्स्ट ई, फिर आई ओ, फिर यू, तो ये फाइव वॉवल्स हैं। तो जो भी वॉवल से वर्ड स्टार्ट होंगे उनके साथ एन लगना है। तो आप बच्चों ने सेम एज इट इज यही सारे वर्ड्स, यूज ऑफ ए वाले और यूज ऑफ एन वाले सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ऊपर हेडिंग भी लिखना है, यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन, ठीक है? तो इस तरह से आप रीड भी करेंगे और इनको पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से और लर्न भी कर लेंगे। ओके, बाय।